Hi guys, this is Rajiv and from Trinity International School. Today I'm going to teach class 3, chapter 1, exercise 1.1. That would be for maths. Now the first question of exercise 1.1, it says observe the pictorial block. Pictorial block with the photos dekho and write the numbers they represent. Phir numbers dekho. Ab isme kya to socho ki tumne kya papa ne chote chote chocolates laaye. जो छोटे छोटे चॉकलेट्स हैं ना यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, कितने चॉकलेट्स है? फाइव। और ये जो चॉकलेट है 10-10 का पैकेट है, क्लियर? तो सोचो ये पापा ने वन का काउंटिंग में लाया, दैट इज 1 2 3 4 5। ये पांच है, ये लाइन कितने यहाँ पे 1 2 3। और ये 100-100 का पैकेट लिया चॉकलेट का, 100 का कितना पैकेट है? 1 2 3 4 5। और ये बड़ा बॉक्स लाया 1000 चॉकलेट्स का, तो कितना है? 1 2 3। सो सबको इफ यू सी द नंबर वाइज 3000 5 100 100 का चॉकलेट है, तीन बॉक्स 1000 1000 का है, तो इट्स 3000 का थ्री बॉक्स, 100 का 5 पैकेट्स, दैट्स 500, 10-10 का कितना है 3, एंड देन 5-5 सिंगल, सो आई एम गोना राइट दिस एज 3535। क्लियर? जो जो बॉक्सेस है उसके नंबर्स मैंने रिप्रेजेंट किया। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर बी, स्टार्ट। So we'll start with question number B. It says observe the pictorial book blocks and then write the number. देखो ये 1000 1000 का box है, बड़ा बड़ा box है chocolates का, कितने box है? 1 2 3 4 5 6। ये 100 100 का packet है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 packets है 100 के। और ये 10 10 का कितना है? 1 2 3 4 5 6। और ये सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7। सो इफ यू सी द नंबर 6 7 6 7, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू रिप्रेजेंट द नंबर। वी डन विद क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच सेज ड्रॉ बीड्स। बीड्स मतलब छोटे 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 मोती बनाना है। किसमें? ये जो हम लोग को प्लेटफॉर्म दिया है बैकस का, इसमें। सो पहला नंबर देखो क्या है, 1064। इसको कैसे पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू में? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। सो हम गोना रीड इट एज 1064। थाउजेंड यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर है? वन। इसमें यहाँ पे एक ही मूर्ती बनाऊंगा। हंड्रेड यहाँ पे जीरो, मतलब कुछ डालना ही नहीं है। टेन के घर पे कितना है? सिक्स। सो हम गोना मेक सिक्स बीट्स, 1 2 3 4 5 6। तुम लोग की बुक में ऑलरेडी टेबल्स बनाया है, तुम लोग को सिर्फ बीज बनाना है। वंस के घर पे कितना है? 4। सो हम गोना मेक 1 2 3 4। आई एम श्योर दिस इज वेरी इजी फॉर यू पीपल। सेकेंड वन विल सी ऑपर्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड के घर पे बोला है दो बीज बनाना है, कितना बीज बनाना है? 2। 1 2। हंड्रेड के घर पे मुझे 7 बीज बनाना है, 7। एक मोती, दो मोती, 3 4 5 6 7, 7 बीज। नाउ टेंस के घर पे कितना है? 3 बीज है तुम्हें, 1 2 3। वंस के घर पे सिर्फ 1। इजी। विल डू नाउ द थर्ड वन, प्लेस वैल्यू 0 10 100 1000। थाउजेंड के घर पे 5 मोती बनाना है, हैव टू मेक 5 बीज, 1 2 3 4 5। हंड्रेड प्लेस हैव टू मेक 6 बीज, 1 2 3 4 5 6। देखो टेंस के घर पे 0 0, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, नथिंग। वंस के घर पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आई एम श्योर दिस इज वेरी इजी फॉर यू पीपल टू डू इट। Now if I see question number 2, I've done A, B, C, D, E, F, you all can practice.
Okay. After this, we are going to start with question number 3. At. Now, guys, this would be question number 3 where we need to write the numbers represented on abacus. मतलब abacus में beads हैं. मुझे count करके लिखना है कि कितना beads हैं. If I'm talking about ones place, 1, 2, 3. है ना, तो 0 के यहाँ पे 1, 2, 3 beads. Tens के घर पे कितना beads है, 1, 2, 3, 4. 100 में 1, 2. 1000 में 1, 2, 3, 4, 5. So it's 5,243. If I go for question number B, again, ones में एक ही bead है. टेंथ में 1, 2, 3, 4, 5. टेंथ के घर पे 5 जन है. 100 के घर पे 1, 2, 3, 4, 4 beads. 1000 के घर पे 1, 2, 3, 3 beads. So the number is 3,451. Even in this, 0 के घर पे कुछ नहीं है. If there is nothing, what I'll do is I'll write 0, 100, sorry, 10. 10 के बीच, 10 का देखो लाइनिंग में कितना है. 1, 2, 3, 3 ही बीच है. I'll write 3. 100 के लाइन पे देखो कितना बीच है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1000 के लाइन पे दो बीच है. 1, 2. So the number is 2,634. I'm sorry, 2,630. That's 2,630. This was A, B, C. What you can do is D, E, F. You people can take it for practice. Okay?